Hello dear students, how are you? And very good afternoon to all of you and welcome back to my channel. I am Sushil Kumar in front of you. And dear students, today we are going to solve chapter 4 of NCERT quadratic equations, right? तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ वीडियो में पहले भी आपके अपने चैनल में डाल चुका हूं आपके लिए, आपने देखा होगा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड परफेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड ऑल सो मेनी मेथड्स आई हैव गिवन यू विद द एग्जांपल्स। तो आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर 4 एक्सरसाइज में 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके सामने कुछ इक्वेशंस गिवन है बट आपको चेक करना है कि आर दे क्वाड्रेटिक और नॉट। समटाइम दे आर लीनियर, समटाइम दे कैन बी क्यूबिक और लाइक दैट। तो हमें इनको एक्सपेंड करने के बाद और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वे करने के बाद हमें चेक करना है आर दे क्वाड्रेटिक और नॉट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी, कोई इक्वेशन किस फॉर्म में आए तब आप उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे वन बाय वन इनको सोल्व करूंगा लेकिन उससे पहले हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, राइट। जनरल फॉर्म ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपके पास कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे आपके पास ए बी एंड सी कांस्टेंट होंगे। ये जो साइन है आपके पास प्लस, दोनों प्लस साइन, ये माइनस भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, तो इस तरह की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। देखिए सम टाइम आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली टर्म जो है वो मिसिंग हो, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली टर्म आपके पास मिसिंग हो, तब भी आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम, ये फर्स्ट एग्जांपल, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि आपके पास जो हाइएस्ट पावर है वो टू होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल, राइट। तो हो सकता है आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में, तो इक्वेशन आपके पास बच्चों इस फॉर्म में भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, अगर इस इक्वेशन को बच्चों मैं इस जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास हो जाएगी इसकी जनरल फॉर्म। जहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाली जो टर्म है वो जीरो है, वो गायब है आपके पास, मीन एक्स का कोफिशियंट जो था जीरो था, उसने उस टर्म को खत्म कर दिया। तो आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है। तो ये सब जो इक्वेशन है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, राइट। आपकी जो हाईएस्ट एक्स की पावर है वो टू होनी चाहिए, ना तो ओनली वन होनी चाहिए ना ही थ्री होना चाहिए। थ्री होगा तो वो क्यूबिक होगा, फोर होगा तो वो बाइक्वाड्रेटिक होगा, और वन होगा तो वो लीनियर हो जाएगा। तो आपके पास आपको देखना है एक्स की पावर कितना है, टू होना चाहिए बस। देखिए हम क्वेश्चन नंबर वन से सोल्व करना शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर नंबर वन, एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, राइट। अब यहां पे आप लेफ्ट साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटीज आप लगा देंगे। ओके, बहुत सारी आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए x की, a की जगह आपके पास क्या है x, यानी x स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, टू एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एक्स माइनस सिक्स, राइट। 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2 यहां दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, राइट, माइनस टू एक्स और प्लस सिक्स। जब राइट से कोई टर्म उठ के लेफ्ट में आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहां पे 2x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ये देखिए टर्म दोनों कैंसिल हो गई। आपके पास बचा बच्चों एक्स स्क्वायर वन प्लस सिक्स सेवन। तो ये देखिए आपके पास यहां पे x की पावर कितना है, 2। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लिखेंगे यस दिस इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको टिक लगा लेता हूं, राइट। देखिए जरा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स, राइट। ये आपके पास है सेकंड पार्ट, देखिए सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टू को थ्री से किया तो बच्चों माइनस सिक्स आएगा, और माइनस टू को माइनस एक्स से करेंगे तो जरा देखिए प्लस टू एक्स हो जाएगा आपके पास, ओके। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों टर्म को आप उठा के लेफ्ट में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, सिक्स जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, टू एक्स जब आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखिए यहां पे फिर आपके पास इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स एंड प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यस दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो यू विल राइट हियर यस, आपके पास यहां भी आंसर यस आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। चलिए थर्ड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, आप इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, आप आराम से आइडेंटिटीज को ओपन करिए, मल्टीप्लाई करिए, देन ओनली यू कैन से द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। आप वैसे ही एक्सप्रेशंस वगैरह को देख के मत बोलिएगा, ओके। देखिए थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री, आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। दे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स प्लस वन के साथ, फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स प्लस वन के साथ, इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स प्लस थ्री के साथ, राइट, और माइनस वन को मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स प्लस थ्री के साथ, राइट। तो देखिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से किया एक्स, माइनस टू को एक्स से किया माइनस टू एक्स, माइनस टू को वन से किया तो बच्चों आपका ये बनेगा माइनस टू इज इक्वल टू एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से किया थ्री एक्स, माइनस वन को एक्स से किया माइनस एक्स, माइनस वन को थ्री से किया माइनस थ्री, ओके। अब देखिए जरा एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव राइट साइड में पॉजिटिव, जब इसको उठा के हम इधर लेके आएंगे तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, राइट। देखिए उसके बाद हमारे पास है इन सब टर्म्स को उठा के आप इधर ले आओ, यहां सोल्व कर लीजिए इसको, x और माइनस टू एक्स बचेगा आपके पास माइनस एक्स और माइनस टू, राइट। यहां इसको सोल्व करके लेफ्ट में ले आइए, थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस का टू एक्स आपके पास राइट में बचा है बच्चों, राइट। जब वो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, पहले थ्री राइट में बैठा हुआ है नेगेटिव, उसको लेफ्ट में लेंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा, ओके। अब यहां सिंप्लीफाई कर दीजिए, वैसे मेरे को यहां से ही पता लग गया है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज यहां पे x रेज टू पावर टू है नहीं मेरे पास, x की पावर टू का कोई टर्म नहीं है, माइनस टू एक्स माइनस एक्स आपके पास हो गया माइनस थ्री एक्स, माइनस टू प्लस वन थ्री बचेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आप लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, राइट। और यहां पे हम इसको क्रॉस लगा देंगे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके। आप नोट करते रहें, आपको आपके सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक मिल रही है, आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप आंसर मैच कर सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, एक्स माइनस थ्री फोर्थ पार्ट दिस इज एंड टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो हम लिखेंगे बच्चों x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री माइनस थ्री एंड टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, राइट। ये मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x को इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, राइट। अब इन टर्म्स को उठा के आप लेफ्ट में ले आइए, साथ में इनको यहां पे सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, राइट। टू एक्स स्क्वायर यहां से एक्स स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, मैं इसके पास लिख देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बचेगा आपके पास माइनस फाइव एक्स, और माइनस फाइव एक्स राइट से आएगा तो हो जाएगा माइनस फाइव एक्स,
माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिए यहां पे 2x² - x² तो 1x² बच जाएगा, ये दोनों ही नेगेटिव टर्म है तो प्लस हो जाएगी -10x -3 इज इक्वल टू जीरो। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x की पावर यहां पे 2 है आपके पास। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फोर्थ पार्ट भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए। पार्ट नंबर फिफ्थ है बच्चों आपके पास 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 एंड x - 1। फिर से आपको दो दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 2x को मल्टीप्लाई किया x से तो बच्चों आ जाएगा 2x² 2x को मल्टीप्लाई किया -3 से -6x आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x से -x, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो बच्चों +3 आएगा, राइट। इस तरीके से x को मल्टीप्लाई करूंगा x से तो x² x को मल्टीप्लाई किया -x 1 से तो -x, 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो 5x, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -5। ओके, अब देखिए इन सभी टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x² और ये सोल्व करिए पहले, -7x हो गया +3, इनको लेफ्ट में ले लीजिए x² और ये क्या बनेगा, दोनों टर्म सोल्व हो गए +4x बिकॉज -x + 5x +4x बनेगा, लेकिन जब इसको लेफ्ट में लेंगे तो हो जाएगा -4x, साइन चेंज हो जाएगा उसका, और यहां ये +5 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। जब ये -5 लेफ्ट में आएगा मेरे पास तो +5 हो जाएगा, राइट। देखिए अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर दीजिए, 2x² - x² दे बोथ आर लाइक टर्म्स, राइट, तो यहां बचेगा आपके पास ओनली x² 7x एंड 4x -4x बोथ आर लाइक टर्म, -7 - 4 -11x। ओके, और 3 and 5 दे बोथ आर लाइक टर्म, बोथ आर कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। 5 and 3 +8 हो गया आपके पास इज इक्वल टू जीरो। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए x रेज़ टू पावर 2 है आपके पास, तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ साथ मैं आंसर भी मार्क कर रहा हूं सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो, आप अपने आंसर्स को मैच करिए और लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़िए। ओके, देखिए जरा सिक्स्थ पार्ट हम करते हैं, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर, राइट। देखिए लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आपको सिंप्लीफाइड किया हुआ इक्वेशन मिला है, एक्सप्रेशन मिला है, ओके, इज इक्वल टू, यहां आप इक्वेशन आइडेंटिटी ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर बच्चों आपके पास क्या होता है, a² + b² - 2ab। ओके, a² यानी x² + b² 4² - 2² 4 -2 × x × 2 4x। ओके, ये आपके पास हो जाएगा आइडेंटिटी ओपन करने के बाद। अब इन सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां आपका x² से कैंसिल हो रहा है। ओके, तो आपके पास बच गया बच्चों 3x + 1 + 4x हो जाएगा और -4 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो अब हम सोल्व करते हैं 3x और 4x, ये हो गया बच्चों आपके पास 7x और 1 - 4 - 3। ओके बच्चों, सिंप्लीफाई में नॉट ओनली आपको x की पावर 2 देखना है, आपका एक्सप्रेशन भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी कॉन्स्टेंट टर्म कुछ रॉन्ग आ रही है। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे नहीं है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो आप लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक, राइट, नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, और यहां पे हम इसको क्रॉस लगा देते हैं, दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट क्वाड्रेटिक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट सिक्स है आपके पास, सिक्स वी हैव डन, नाउ सेवंथ पार्ट, x + 2 cube इज इक्वल टू 2x + 1। ओके बच्चों, क्यूब को देख के डायरेक्ट मत बोलिएगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, यहां क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड में भी आपके पास क्यूब बन रहा है, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, राइट, तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, देन ओनली यू कैन से समथिंग। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए a + b
क्यूब क्या होता है आपके पास? ये होता है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री ए इंटू बी और ब्रैकेट ए प्लस बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। हम यही आइडेंटिटी यहां पे ओपन करेंगे, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी टू का क्यूब, टू क्यूब बच्चों आपके पास होता है एट, टू इंटू टू इंटू टू राइट, प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी, थ्री इंटू टू सिक्स इंटू एक्स, सिक्स एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस टू राइट, ए प्लस बी ब्रैकेट में आपको डालना है एज इट इज। ओके सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखिए यहां 2x को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो ये आएगा बच्चों 2x क्यूब मेरे पास, और 2x को माइनस 1 से किया तो माइनस 2x। ओके अब मैं आइडेंटिटी को इरेज कर देता हूं, अब हम इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x क्यूब राइट प्लस 8, 6x को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 6x स्क्वायर और 6x को 2 से किया तो प्लस 12x इज इक्वल टू, इनको भी आप लेफ्ट में ले लीजिए साथ साथ, एक स्टेप आपको कम लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में हम लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर क्यूब, सॉरी माइनस टू एक्स क्यूब और प्लस 2x हो जाएगा। जब ये दोनों टर्म राइट साइड से लेफ्ट में आएगी तो दोनों के साइन चेंज हो गए राइट। अब देखिए जरा एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब, तो बच्चों एक एक्स क्यूब आपके पास नेगेटिव बच गया, आपको यहीं पे पता लग गया आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको सोल्व जरूर करेंगे राइट। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है सॉल्व हो गई। आप देखते हैं हम एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है, यस प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर एक टर्म है, ये भी सॉल्व हो गई, और 12x और प्लस 2 ये हो गया प्लस 14x एंड प्लस 8, तो ये बच्चों आपके पास इक्वेशन बच रही है क्यूबिक इक्वेशन। सो आपको ये नहीं लिखना है क्यूबिक इक्वेशन, आपको सिर्फ ये बताना है क्वाड्रेटिक और नॉट, सो आप लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक। ओके तो मेरा आंसर इसमें आ रहा है नॉट क्वाड्रेटिक, ओनली लास्ट पार्ट लेफ्ट, उसके बाद हम बाकी से एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक एंड में वीडियो में मैं आपके पास आऊंगा बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के कुछ सॉल्यूशन के साथ, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। देखिए जरा लास्ट पार्ट क्या है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू क्यूब। ओके ये आपके पास है बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन, आपको सिंप्लीफाई करना है पहले, चलो चलिए देखते हैं करते हैं सॉल्व, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब, क्या होता है बच्चों देखिएगा, जो हमने a प्लस बी का आइडेंटिटी लिखा, a प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लिखा था, उसमें हर जगह माइनस लगा दीजिए, a माइनस बी का क्यूब बन जाएगा, यानी क्या होता है ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी टू का क्यूब, टू इंटू टू इंटू टू एट होगा, माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी सिक्स एक्स इंटू ए माइनस बी राइट, तो इसमें सब आपके पास नेगेटिव होता है। ओके अब जरा देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब आप कैंसिल कर दीजिए बिकॉज आपका लेफ्ट साइड में भी एक्स क्यूब बैठा हुआ है, राइट में भी एक्स क्यूब बैठा हुआ, तो एक्स क्यूब वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे बच्चों माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एट, और सिक्स एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बनेगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x हो जाएगा आपके पास। ओके अब इन टर्म्स को उठा के लेफ्ट में ले आइए और फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं राइट, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एट एक्स लेफ्ट में आएगा प्लस 8 हो गया और 6x स्क्वायर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12x लेफ्ट में आ गया, सबके साइन चेंज कर दिए मैंने, जो भी टर्म आप लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट में उठा के लेके आए सबके साइन चेंज कर दीजिए। ओके चलिए देखते हैं अब क्या बनता है, 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का 4 है प्लस का 6 है तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, यानी कि इस टर्म का और इस टर्म का सॉल्यूशन हो गया। ओके जब आपके पास बहुत सारी टर्म्स हो थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिए पेंसिल वगैरह से राइट। अब आपके पास है x वाला टर्म देखिए माइनस एक्स और माइनस 12x तो ये बन जाएगा माइनस 13x आपके पास, बोथ आर नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक, देखिए जरा x टू पावर 2 है आपके पास तो आप लिखेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ओके तो ये थे बच्चों आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1,
बच्चों बने रहिएगा मेरे साथ YouTube पे, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ अदर देन एनसीईआरटी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।